हेलो एवरीवन, दिस हर्षित सिंह फ्रॉम पिराना मोटर्स। सो गाइस, आज जिसकी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो होने वाली है डिस्क ब्रेक के ऊपर। डिस्क ब्रेक में प्रॉब्लम ये आती है लोगों की, उनका पहिया जाम हो जाता है आगे वाला कुछ टाइम के बाद, या फिर कई बार झटके से कोई ब्रेक मार दी तो आपका पहिया जाम हो गया, तो उसको कैसे ठीक करें। सो गाइस, इसी के ऊपर आज पूरी वीडियो होने जा रही है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। जैसे ये डिस्क ब्रेक है, अब क्या होता है कि जैसे मेरा व्हील है ये एकदम देखो फ्री चल रहा है, राइट? तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा ना जाम हो जाता है, आप कितना भी इसको में जोर लगा लो ये आगे जाके रुक जाएगा। इसकी प्रॉब्लम ज़्यादातर मैं जिन मैकेनिक्स के पास गया उन्होंने मेरे को सिर्फ इसी में प्रॉब्लम बताई, तो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट जो है ये पेच होता है, लेट मी शो यू, ये वाला। तो यहाँ पर एक पतली सी पाइप होती है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। इससे क्या होगा कि आपका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये। तो गाइस, जैसे ये पाइप है, मैं इस पाइप को इसके अंदर फिट कर देता हूँ। आपने पाइप के बिना इसको नहीं खोलना, अगर आप पाइप के बिना इसको खोलोगे तो सारा जितना ही ब्रेक ऑयल है वो सब नीचे गिर जाएगा। अब दूसरी चीज़, मैं आपको इसको खोल के नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन, एक दो दिन पहले इसका काम कराया है। सो मैंने इसमें पूरी ब्रेक ऑयल चेंज कराया, सब कुछ कराया, मैं बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या कराना चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे जो अगर आपका व्हील जाम चल रहा है वो क्या होता है कि कई बार प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उस प्रेशर को हल्का करने के लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकाल दो, तो उससे प्रेशर एकदम हल्का हो जाएगा, व्हील आपका फिर से फ्री हो जाएगा। अगर आपका इससे भी नहीं होता तो सेकेंड चीज़ जो होती है इसका क्या हो सकता है कि हो सकता है यही आपका जाम हो, तो इनको खुलवाओ। इसके अंदर पिस्टन होता है एक्चुअली, तो उस पिस्टन को पूरा साफ करवाओ, डिस्क पैड्स नए डलवाओ, उनसे भी ये हो सकता है आपका ठीक हो जाए। और गाइस, दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, जब भी आप इसमें ऑयल रिफ़िल कराएं, जब भी आप ऑयल चेंज करें इसका ब्रेक ऑयल, तो पूरा ब्रेक ऑयल चेंज करें। सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ऊपर से अगर आपका ख़त्म हो गया तो ऊपर ऊपर से आपने नया डाल दिया, नहीं, पूरी जो इसकी ये पाइप जा रही है पूरा ब्रेक ऑयल साफ़ करें और फिर नया डालें, क्योंकि उससे काफ़ी प्रॉब्लम आती है पुराने ब्रेक ऑयल से। एंड गाइस, मैं अब बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने यूट्यूब पर बहुत वीडियोज़ देखी, मुझे वीडियो कोई मिले ही नहीं ऐसी जिसने ऐसा कुछ बताया हो, और मैंने बहुत मैकेनिक से ही पूछा, सब ने कहा कि इसी में प्रॉब्लम है। मैंने इसको चेंज तक कर दिया, इसको मैंने सर्विस कराया, सब कुछ कराया, कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको चेंज तक किया, नया लगा के देखा, तब भी मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही थी। किसी ने कहा कि चक्का टेढ़ा है, डिस्क ब्रेक टेढ़ी है, वो भी चेक कराई, वो भी ठीक थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने मात्र 300 रुपये का ये पंप डलवाया, इसमें जो ये ऊपर का पंप होता है, मैंने सिर्फ मात्र 300 रुपये का ये डलवाया और मेरी ये प्रॉब्लम एकदम ठीक हो गई। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि ना मेरे इसमें प्रॉब्लम थी, ना मेरे इस पहिए में प्रॉब्लम थी, किसी में नहीं थी, सिर्फ मेरे पंप में प्रॉब्लम थी। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं मेरा ये लिवर मुड़ रखा है, तो एक्सीडेंट के टाइम पे लिवर मुड़ गया था। तो गाइस, मेरी सिर्फ इसमें प्रॉब्लम थी और किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं थी। तो गाइस, इसीलिए हर मकैनिक के ऊपर विश्वास ना करें जो सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने पैसा अपना लगा दिया खाम इतना, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो गाइज, अपनी थोड़ी रिसर्च देखें, हर चीज़ को पहले परखें उसके बाद करें, हर ऐसे फालतू मैकेनिक्स के पास ना जाएं। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा। बाकी गाइज, ये थी डिस्क ब्रेक के ऊपर वीडियो, जो जो मैंने फेस किया, जो बाकी लोग करते होंगे उसके ऊपर था ये। हर चीज़ मैंने आपको बता दी, सिर्फ यही है इन बाइक्स में जो कि प्रॉब्लम कर सकता है और कुछ नहीं। सो गाइज, ये वीडियो थी डिस्क ब्रेक के ऊपर। मैंने इसमें किसी को खोल के नहीं दिखाया या कुछ नहीं करके दिखाया, क्योंकि मैंने भी थोड़े टाइम पहले इसमें काम कराया है। जब मैं दोबारा काम कराऊंगा तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, कैसे इसमें पिस्टन होता है, सब कुछ होता है। भाई गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो इंजन ऑयल के ऊपर होगी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बट मेरे को लगा कि ये चीज़ भी ज़रूरी थी बतानी, तो मैंने बताई, क्योंकि मैं इससे बहुत परेशान हुआ हूँ। इसमें अगर आप इसको नहीं ठीक कराओगे तो आपके इंजन पर लोड आता है, माइलेज में फ़र्क आता है, हर चीज़ में फ़र्क आएगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ इसको इग्नोर ना करें कि अगर आपका टायर थोड़ा सा जाम चल रहा है तो ज़रूर चेक कराएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और गाइस शेयर करो, क्या पता ये वीडियो किसके काम आ जाए। एंड गाइस, ऐसी मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और जो साइड में बेल आइकन आ रहा होगा उसे ज़रूर दबा देना। स्टे ऑसम गाइस, बाय बाय।